पिछले हफ्ते कच्चे तेल में हमने देखा काफी गिरावट दिखी, 7% की गिरावट आ चुकी है। और नवंबर के महीने की अगर बात करें तो कच्चा तेल करीब करीब ब्रेंट क्रूड का भाव $18 से ज्यादा सस्ता हो चुका है। और आज शुरुआती चाल देखें तो यहां पर 3% की गिरावट MCX क्रूड में दिख रही है, 6,100 रुपए के आसपास MCX क्रूड। ब्रेंट की बात करें तो $82 के नीचे आ गया है। गोल्ड और सिल्वर की शुरुआती चाल देखें तो यहाँ पर भी आज कमजोरी ही है, करीब करीब 100 रुपये नीचे है MCX पर गोल्ड, 52,450 के आसपास। चांदी की अगर बात करें तो चांदी पर भी दबाव है, करीब करीब 275 रुपये नीचे, 61,400 के आसपास MCX पर चांदी ट्रेड कर रही है शुरुआती कारोबार में। बेस मेटल्स की चाल अगर देखें तो एल्यूमिनियम 0.5% के आसपास नीचे है, 205 रुपये के आसपास। जिंक 261 पे करीब 1% नीचे शुरुआत हुई है। कॉपर में भी 0.25% तक की कमजोरी शुरुआती कारोबार में दिख रही है, 668 रुपये के नीचे। लेड पर भी 0.5% की गिरावट, यानी बेस मेटल्स में चौतरफा दबाव ही आज दिख रहा है। एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं, एग्री मार्केट की आज शुरुआत हुई है, ज़्यादातर काउंटर्स आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ग्वार गम 0.25% की तेजी, ऊपरी स्तरों पर दबाव है, 12,000 के नीचे आ गया है। ग्वार सीड का वायदा 0.25% नीचे है, 5,800 रुपये के नीचे आ गया है। कॉटन सीड ऑयल केक जहां पर 2% की गिरावट दिख रही है, और कपास में भी 1.5% की कमजोरी है। हालांकि अभी मसालों में उतना ज़्यादा एक्शन नहीं है, दिन के कारोबार के दौरान देखते हैं कि किस तरह का एक्शन पूरे ही कमोडिटी बाजार में आता रहता है।